विश्रम, सावधान, राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मरा उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माग, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। उपविश्य बैठ जाओ। अब मैं अपने साथी रिजवान भाई अड़तिया से अनुरोध करूंगा, वो आएंगे अपने विचार हमारे बच्चों को देंगे। गवर्नर साहब, मंच पर विराजमान महानुभावों, स्वामी धर्मबंधु जी, हमारे प्यारे सोल्जर्स, गेस्ट, मीडिया फ्रेंड्स एंड बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम रिजवान आदतिया है। मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात से हूँ, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 30 साल से मैं अफ्रीका में रहता हूँ और दिल हिंदुस्तान में है, इसलिए 30 साल से अपने देश से और देशवासियों से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं स्वामी धर्मबंधु जी और उसकी पूरी टीम को अभिनंदन दूंगा कि 19 साल से पूरे इंडिया से इतने सारे बच्चों को लाकर शिविर करते हैं और अच्छी जिंदगी की होप, करेज और स्पार्क देते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ हजारे बच्चे आए हुए हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तालियों से स्वामी धर्मबंधु जी का अभिवादन करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे प्यारे सोल्जर्स की बात करूं कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे सोल्जर्स आए हुए हैं, तो मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि वो लोग हमारी सेफ्टी और सलामती के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देते हैं। जब हम न्यूज़ में देखते हैं कभी कि टेररिस्ट अटैक हुआ और हमारे एक दो जवान शहीद हुए, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है और हम सोचते हैं कैसा क्यों होता है। हमारे प्यारे सोल्जर्स अपनी फैमिली को छोड़कर ये दुनिया से क्यों दूर चले जाते हैं, और साथ में ये भी अफसोस होता है कि 18-20 साल के बच्चे ऐसे ही टेररिस्ट बन के बेमौत मारे जाते हैं।
कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करते कि वो 18-20 साल की उम्र में बेमौत मारे जाए। दुनिया के लिए भले वो बच्चे होते हैं, परंतु अपने माँ बाप के लिए उनकी पूरी दुनिया होती है। और माँ बाप को भी एक उम्मीद होती है कि अभी हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और हमारी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। वो माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, लेकिन जब सुनते हैं कि उनका बच्चा ऐसे ही टेररिस्ट बन के बेमौत मारा गया तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है और उसके आंसू कभी रुकते नहीं हैं और पूरी जिंदगी वो आंसू के साथ और दुख और तकलीफ के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और ऐसे ही इतने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बानी के लिए भेज देते हैं, वो लोग को उन माँ बाप के एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ता है। वो आंसू का हिसाब से उनको तकलीफ और परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो पैसों की लालच में या और कोई पावर या दूसरी कोई चीज़ की लालच में वो भूल जाते हैं कि ईश्वर देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और हर हाल में मरना ही है। और मरने के बाद दुनिया में पाप और पुण्य के सिवा कुछ साथ ले जाना नहीं है। अभी मैं मेरी बात करूं तो जब मैं 15-16 साल का था, आपकी ही उम्र का, और मैं भी जैसे स्वामी जी ने बताया कि बहुत छोटा सा परिवार का मैं हिस्सा था और मुझे वो टाइम पे एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, तो मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। और जब मैं 10वीं कक्षा में फेल हुआ तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और छोटी सी जॉब पे लग गया, जहाँ मैं ईमानदारी से मेहनत करता था और महीने की जो मेरी तनख्वाह थी वो 175 रुपीज़ थी और रोज का 12 घंटा ईमानदारी के साथ मेहनत करता था। लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे रिलीजियस बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और छोटी सी उम्र में मैं रिलीजियस बुक्स बहुत पढ़ता था। मैं एक खोजा इस्माइली आगाखानी मुस्लिम हूँ तो मैं कुरान बहुत पढ़ता था और वही रिलीजियस बुक्स में से मेरी अंदर मेरी लाइफ के जीने का जो मकसद था उसको मैंने वहाँ से सीखा और मेरी ज़िंदगी में मैंने उसको अमल किया। वो था कि सुबह जल्दी उठ के ध्यान में बैठना, मेडिटेशन में बैठना, लोगों को कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को मदद करना, बुरी आदतों से दूर रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंक करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, माँ बाप की सेवा करना, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बुक्स में से पाई और वही मेरी लाइफ बन गई। और जब मैं
जॉब कर रहा था और वहाँ मुझे जो महीने की 175 रुपीस पगार मिलती थी उसमें से भी मैं ज़्यादा तक मैं लोगों में बांटता था कि जिसके पास कुछ नहीं था। और हमेशा हमको सिखाया गया है कि तुम्हारे पास एक रोटी है तो आधी रोटी तुम दूसरों जिसके पास कुछ नहीं है उनके साथ बांट के आप खाओगे तो आपकी वो खुशी बहुत बढ़ जाएगी। और परमात्मा की मेहरबानी से 17 साल की उम्र में मुझे अफ्रीका में जॉब की अपॉर्चुनिटी आई और मैं अफ्रीका चला गया। और जैसे स्वामी धर्म बंधु जी ने बताया वो हिसाब से मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। देखो बच्चों, आपकी भी उम्र यही है, आपकी यही उम्र आपकी जिंदगी का फाउंडेशन है। यहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होएगी, आगे जाके आपकी फैमिली लाइफ भी बनेगी। हम सब सचिन तेंदुलकर को तो जानते हैं, जानते हो ना? ओके, तो हम सबको सचिन तेंदुलकर बनने का है, क्योंकि उसने भी जब क्रिकेट शुरू किया था उनकी भी एज यही 17-18 साल की थी। उसने भी ईमानदारी से फोकस करके मेहनत करके आज हम सबको पता है करोड़ों लोगों की दिलों में उसने जगह बना ली है। देखो आपकी भी उम्र यही है। कुदरत ने हम सब के अंदर सेम शक्ति रखी हुई है, उसको आप डेवलप करो। दुनिया में हर एक इंसान हीरो बन सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक इंसान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को डेवलप करो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़े एम रखो। देखो बच्चों, आपकी आज की क्या हालत है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको फ्यूचर में अचीव करना है। ईमानदारी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आपको खाना नहीं मिले, आपको रोटी नहीं मिले तो आप भूखे रह लो, बट ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और आज आप जितनी भी चैलेंजेस फेस करोगे, जितनी भी तकलीफ उठाओगे और ईमानदारी से मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे तो वही आपकी चैलेंजेस, वही आपकी तकलीफ आपकी लाइफ फ्यूचर लाइफ को सुखी और आबाद बनाएगी। और आपको आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आपकी ये चैलेंजेस, आपकी ये तकलीफ उन लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। देखो रात जितनी भी काली हो उतने ही सितारे ज़्यादा चमकते हैं। आपकी लाइफ में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होवे, जितनी भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, जितनी भी आप तकलीफ उठाओगे इतने ही आप ज़्यादा सितारों की तरह फ्यूचर में चमकोगे। देखो 2020-2030 का जो दशका है वो यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वाला दशका रहेगा। बहुत सारी उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत सारी यूथ की नीड रहेगी। आपके हाथ में टाइम है,
अपने आप को चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो, आप अच्छा एजुकेशन लेने की कोशिश करो, अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करो, एथिकल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल और ईमानदारी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो, आपके माँ बाप आप आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना के आप अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी गुजारने में कैसे मदद रूप हो सकते हो। देखो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। मैं भी जब छोटा था तब मैंने भी मेरे माँ बाप की मैंने बहुत सेवा की है, खास करके मेरी माँ की। और मेरी माँ को हमेशा मैंने प्राउड फील कराया है, कभी उसको बेटा पैदा करने का अफसोस नहीं होने दिया। हमेशा मैंने उसको उसकी सेवा की, उनको खुश रखने की कोशिश की। और हमारे दूसरे भाइयों और बहनों ने भी वही माँ बाप की सेवा की। और आज हमारे माँ बाप तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी खुशी से आज हम पूरी फैमिली सुखी और आबाद है। देखो, हमारी सबकी लाइफ है, सबकी जिंदगी है, वो परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग है। हमारी सबकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुश्किलियाँ है वो हमारी जिंदगी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा रास्ता है और एक अच्छी सी कहावत है कि जिंदगी में चाहे परेशानियां जितनी भी है, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। हर चैलेंजेस में, हर प्रॉब्लम्स में हमेशा खुश रहो, हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, मगर ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेता और मैं स्वामी धर्मबंधु जी जो आज 3 साल से मुझे यहाँ इनविटेशन देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपके सामने बोलने का मौका देते हैं, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोगों ने मुझे जो खामोशी से सुना, उनके लिए भी मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से आपको जितना भी आपने सुना है, जितना भी आपके दिल के अंदर आया है, उसमें से आप 1-2% भी आप अमल कर लोगे तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा और दुनिया में बहुत सुखी व आबाद बनोगे। और हमारे जो माननीय गवर्नर साहब हमको जो अच्छी टिप्स और अच्छा उम्मीद के साथ यहाँ से वो गए हैं,
वो उम्मीद भी हमारे लीडर्स की पूरी हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.